नमस्कार, मैं आशीष पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। एक बहुत ही खुशखबरी है टीचिंग जॉब के लिए। जो बच्चे टीचिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं जॉब की, उसमें कुछ पोस्ट खासकर जो टेक्निकल हैं उनके लिए, जो बीटेक सीएसआईटी कर चुके हों, चाहे बीसीए कर चुके हों, चाहे बीएससी कंप्यूटर साइंस किए हो, चाहे ए लेवल किया कोर्स किया हो, उनके लिए डीएसएसबी में जो है कंप्यूटर साइंस के जो है टीचर की पोस्ट निकली है। अच्छी खासी पोस्ट है और सैलरी भी दमेदार है पूरा एकदम। ठीक है, तो एक बार हम लोग इसके डिटेल नोटिफिकेशन को देख लेते हैं कि क्या क्या है, कौन कौन सी पोस्ट जो है डीएसएसबी में आई है, किसे किसे आप फिल कर सकते हो। तो सबसे पहले जो नोटिफिकेशन है आपका, देखिए 14 तारीख का शायद ये है नोटिफिकेशन। इसमें डिटेल में मैं बता दूँ कि 19 तारीख से ही इसके फॉर्म जो है फिल हो रहे हैं, मतलब आज से ही इसके फॉर्म जो है क्या किए जा रहे हैं, फिल किए जा रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। और मोड ऑफ जो एप्लीकेशन है वो ऑनलाइन है, आप साफ साफ दे दिया है। ऑनलाइन के अलावा आपको कोई भी मोड से एप्लीकेशन नहीं भेजना है, नहीं तो रिजेक्ट हो जाएगा। तो 19-10 से स्टार्ट है और 18-11 तक आपका चलेगा, एक महीने का ऑलमोस्ट आपको टाइम दिया गया है। तो यहाँ पे पोस्ट की बात कर लें तो पोस्ट कौन कौन सी है, तो लाइब्रेरियन की पोस्ट है। ठीक है, जो भी लाइब्रेरी से स्पेशल एजुकेशन किए होंगे उनके लिए यहाँ पर, ठीक है, ये आपकी पोस्ट है। यहाँ बोला है लाइब्रेरियन की पोस्ट है, बी ग्रुप की है। ग्रेड पे देखिए भाई साहब, 4600 ग्रेड पे की जॉब है, अच्छी खासी जॉब पे आपकी ग्रेड पे है। और यहाँ पे वैकेंसी का डिटेल दिया है, टोटल 100 वैकेंसी लाइब्रेरियन वाली है। असिस्टेंट टीचर नर्सरी इसकी थोड़ी कम है, 4 वैकेंसी है। ठीक है, और यहाँ पे कंप्यूटर साइंस वालों का कोई भी बीएड वेड नहीं मांगा है कंप्यूटर साइंस में, तो यहाँ पर आपको 4600 ग्रेड में 106 वैकेंसी है। और डोमेस्टिक साइंस वाले जो होंगे उनकी भी 201 वैकेंसी है, और जो फिजिकल एजुकेशन वाले हैं वो 221 है। तो इन्हीं तीनों की अच्छी खासी पोस्ट है, लाइब्रेरियन वाली भी है, लेकिन लाइब्रेरियन तो बहुत कम लोगों के पास होता है। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या क्या क्वालिफिकेशन, क्या एलिजिबिलिटी आपकी चाहिए। अगर हम बात करते हैं पहले पोस्ट आपकी जो है लाइब्रेरियन वाली, लाइब्रेरियन वाले पोस्ट के लिए आपको डिग्री चाहिए, ठीक है, डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, बैचलर डिग्री और इक्विवेलेंट डिप्लोमा, ठीक है, इन लाइब्रेरी साइंस किसी भी यूनिवर्सिटी से उसके इक्विवेलेंट होना चाहिए। तीसरा क्या होना चाहिए कि 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए लाइब्रेरी में, ठीक है, चाहे कंप्यूटराइज लाइब्रेरी में होना चाहिए। तो ये ध्यान रखिएगा, इसमें 2 साल का एक्सपीरियंस आपका जरूरी है। या यहां पर और जो है 1 ईयर सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और इक्विवेलेंट, ठीक है, इनमें से या इसमें आपका क्या होना चाहिए, 1 साल का सर्टिफिकेट होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन में, तभी भी आप क्या कर सकते हो, फॉर्म फिल कर सकते हो, ये ध्यान रखिएगा। ये किसके साथ और लगा है, तीसरे वाले के साथ लगा है, या तो आपके पास एक्सपीरियंस हो या आपके पास 1 ईयर का सर्टिफिकेट हो कंप्यूटर एप्लीकेशन का, ठीक है, या तो तीसरा वाला हो या तो इसमें से आपका 1 साल का एप्लीकेशन का हो। तो वो देखिए 44,900, ये तो आपका ये होगा, इसमें डीए आपका जुड़ेगा 38%। डीए जुड़ने के बाद आपकी जो सैलरी बनेगी उसके भी अलाउंसेस लगेंगे, तो 44,900 तो आपका बेसिक ही बनेगा आपका, तो अच्छा खासा आपका जो है यहां पर सैलरी उठाओगे, ठीक है, 4600 ग्रेड पे। अब यहां पे आते हैं नेक्स्ट क्या है, हाँ, एज अगर आपसे बोला जाए तो एज आपका साफ साफ लिखा हुआ है कि 30 साल से ज्यादा नहीं चाहिए, 30 साल से ज्यादा आपको नहीं मिलेगा, 30 साल मैक्सिमम है इसमें। दूसरी जो पोस्ट है असिस्टेंट टीचर नर्सरी वाली, इसमें क्या है आपका कि जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल मतलब क्लास 12 सर्टिफिकेट मतलब इंटरमीडिएट आपको पास होना चाहिए 45% मार्क्स से, और आपके साथ आपको क्या होना चाहिए, डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन नर्सरी टीचर एजुकेशन प्रोग्राम फॉर ड्यूरेशन इन नॉट लेस देन 2 ईयर, ठीक है, 2 साल से कम का कोई डिप्लोमा नहीं, डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास किसमें, नर्सरी टीचर एजुकेशन प्रोग्राम में, ठीक है, डीएलएड वेलेड हो, या आपका यहां पे और लगा दिया, या बीएड हो, बीएड नर्सरी फॉर्म ए रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट, ये होना चाहिए। यहां पे तीसरा है मस्ट है पास हिंदी एट्स, मतलब आपका हिंदी सब्जेक्ट होना चाहिए 10+2 में, ये जरूरी है, ये चीज आपको जरूरी है तीसरा वाला। बाकी आपको बोला है कि 10+2 पास हो और आपके पास डीएलएड या बीएड हो तो वो आप चल जाओगा। उसके बाद से आपका चलो यहां पर भी देखो 35,400 से है, 4200 ग्रेड पे की जॉब है नर्सरी वाली। तीसरा जो पोस्ट है आपका कंप्यूटर साइंस, ये काफी बच्चे पूछ रहे थे हमसे, तो ये कंप्यूटर साइंस वाले में क्या चाहिए कि बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन बीसीए जिसको बोला जाता है, तो जितने भी बच्चे बीसीए किए हुए हैं वो सभी इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। जो भी आपका 10+2 किसी से हो उससे मतलब नहीं है,
आपने अगर बीसीए किया है बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो आप इस फॉर्म को डीएसएसबी वाले में कंप्यूटर साइंस के टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हो, या ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस, अगर आपने बीएससी कंप्यूटर साइंस किया है तब आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, या आप बीटेक हो, दो ही ब्रांच एलिजिबल है, कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये आप अगर आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हो, या आप डोएक से ए लेवल कोर्स किए हो तब आप अप्लाई कर सकते हो। मतलब कोई भी बीएड जो है आपको कंप्यूटर टीचर के लिए डीएसएसबी में जरूरी नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। बीसीए वाले डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, काफी बच्चे हैं जो बीसीए किए हैं तो उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है 4600 ग्रेड पे की जॉब की, ठीक है, और बेसिक सा क्वेश्चंस पूछा जाता है आपके कंप्यूटर में, और दो आपके पार्ट होते हैं जो मैं अभी दिखाऊंगा आपको। एक आपका होता है कि जनरल अवेयरनेस, ये सब मिला के नॉन टेक वाला, मतलब एक तरह से बात मैं करूं नॉन टेक वाला पार्ट जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड ना हो, वो आपके 20-20 क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन वहां से होंगे, और बाकी आपका जो सब्जेक्ट नॉलेज होगा वो 100 क्वेश्चन वो रहेगा, ठीक है। टोटल 200 मार्क्स के होंगे ये पेपर। यहां जो तीसरा जो पोस्ट है वो डोमेस्टिक साइंस टीचर वाला है, इसमें भी आप लोग काफी लोग मिल जाएंगे जिनके पास ये सब्जेक्ट होगा। बोला है कि बैचलर डिग्री इन डोमेस्टिक साइंस में होना चाहिए या होम साइंस में, तो आप भर सकते हो डोमेस्टिक साइंस या होम साइंस। तीसरा बोल रहा है एंड और क्या होना चाहिए, बैचलर इन एजुकेशन, ठीक है, विथ डोमेस्टिक साइंस होम साइंस एज ए टीचिंग सब्जेक्ट। मतलब आपका बैचलर, अगर एजुकेशन में आपका बैचलर डिग्री है और डोमेस्टिक साइंस और होम साइंस आपका टीचिंग सब्जेक्ट रहा है, तो अभी भी आप अप्लाई कर सकते हो। यहां पे बोला है हिंदी सब्जेक्ट होना चाहिए सेकेंडरी लेवल में, यह भी सही है, मतलब जरूरी है, 10+2 में हिंदी जरूरी है। अगली जो पोस्ट है आपकी वो आपकी है फिजिकल एजुकेशन वाली, तो इसमें बोला है ग्रेजुएट विथ बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन बीपीएड चाहिए या उसके इक्विवेलेंट चाहिए, तो आप भर सकते हो। तो ये आपके इतने पोस्ट रहे, और थोड़ा सा हम लोग डिटेल में देख लेते हैं। अप्लाई आप वेबसाइट पर जाके कर सकते हो। उसके बाद से यहाँ पे जो फीस क्या है, तो वुमेन के लिए कोई फीस नहीं है और बहुत ही सस्ता जो है फीस रखा गया भाई साहब। देखो यहाँ पे जो 100 रुपये का चार्ज लगाया गया है मिनिमम का, ठीक है, 100 रुपीज आपका एप्लीकेशन फीस है। वुमेन कैंडिडेट एंड कैंडिडेट बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स पीडब्ल्यूडी एक्स सर्विसमैन कैटेगरी जो है आर एक्सपेक्टेड फॉर पेइंग द एप्लीकेशन फी। इनको आपको एप्लीकेशन फी नहीं देना है, बाकी आपको जनरल ओबीसी वालों को देना है। यहां पर एग्जाम के बारे में बताया गया है, देखो जो 3738 जो कोड है आपका पोस्ट का, 3738 किसका कोड है, ये 41 है, ये देखो ये 40 और 41 है फिजिकल एजुकेशन और कंप्यूटर साइंस वाला, और यहां पर जो आपका लाइब्रेरियन वाला हो गया, और एक आपका 39 कंप्यूटर साइंस, और 38 37 38 39, इन तीनों के लिए कंप्यूटर साइंस तक आपका जो है ये सिनेरियो फॉलो करेगा। 37 38 और 39 के लिए 2 घंटे का पेपर होगा, 200 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स होगा, ठीक है। पहला जो सेक्शन होगा आपका, यहां देखो दो सेक्शन में पेपर डिवाइड होगा, सेक्शन ए और सेक्शन बी में। सेक्शन ए में आपका जनरल अवेयरनेस आएगा 20 क्वेश्चन, जनरल इंटेलिजेंस मतलब रीजनिंग आपकी 20 क्वेश्चन आएगी, अर्थमेटिक मतलब आपका मैथ 20 क्वेश्चन आएगा, उसके बाद से हिंदी लैंग्वेज एंड कम्प्रीहेंशन 20 क्वेश्चन होगा, और इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रीहेंशन मतलब टीचिंग वाला जो एग्जाम होता है ना, सेम ऐसा ही है। तो 20 तो टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के ये हो गए, दोनों का वेटेज सेम है। और सेक्शन बी में लिखा है एमसीक्यू ऑन 1 मार्क इच फ्रॉम द सब्जेक्ट कंसर्न एज पर द क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब फॉर द पोस्ट, जो भी आपका सब्जेक्ट है उससे आपके 100 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो यहां से आपके 100 मार्क्स हो गए, तो एक कंप्यूटर के भी 100 क्वेश्चन आपके रहेंगे, ठीक है, 100 मार्क्स के। उसके बाद से 40 और 41 के लिए, जो पोस्ट 40 41 फिजिकल एजुकेशन, और 40 नंबर पोस्ट आपकी कौन सी है, डोमेस्टिक साइंस, डोमेस्टिक साइंस वाले और फिजिकल एजुकेशन के लिए जो है वो आपसे क्या बोला गया है, वो बोला गया है सेक्शन ए में आपका सेम रहेगा वही चीजें, और सेक्शन बी में जो होगा 1 मार्क्स इच फ्रॉम द सब्जेक्ट कंसर्न इंक्लूडिंग क्वेश्चन ऑन द टीचिंग मेथोडोलॉजी, जो आप बीएड और टीचिंग मेथोडोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन आपके होंगे 100 मार्क्स के होंगे, सब्जेक्ट कंसर्न नहीं रहेगा, सिर्फ टीचिंग मेथोडोलॉजी के क्वेश्चन होंगे, तो ये भी आसान है। अब आ जाओ, साफ साफ बोला है कि जो आपकी मेरिट होगी वो आपके सेक्शन ए और सेक्शन बी में जो आप मार्क्स ऑब्टेन करोगे सेक्शन ए सेक्शन बी में उनके बेसिस पर बनेगा, निगेटिव मार्किंग 0.25 है, मतलब 1/4 निगेटिव मार्किंग, ये ध्यान रखिएगा। एग्जाम आपका क्या होगा,
ऑनलाइन एग्जाम होगा। चलिए मोड ऑफ सिलेक्शन दे दिया है कि आपका क्या होगा, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स यहां भी दे दिया है, अचीव क्वालिटेटिव सिलेक्शन बेस्ट टैलेंट हैज फिक्स फॉर फॉलोइंग मिनिमम क्वालिफाइंग जनरल के लिए 40, ओबीसी 35 और एसटी एसटी 30% आपका चाहिए ही चाहिए। हाँ, रिजर्वेशन बेनिफिट जैसा होता है वैसा ही आपको यहां पर मिलेगा गवर्नमेंट के द्वारा। एज रिलैक्सेशन एससी एसटी को 5 साल, ओबीसी 3, पीडब्ल्यूडी 10 और पीडब्ल्यूडी एससी एसटी 15 और पीडब्ल्यूडी ओबीसी जो है आपके 13। फिजिकल हैंडीकैप वाले हैं ये, ओबीसी के कैंडिडेट हैं तो 13 साल का, तो ऐसे आपका है। बाकी जो है आपके नोटिफिकेशन में आपके लिखा हुआ है आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से, जो मेन मेन था मैंने बता दिया। फॉर्म आपके अप्लाई हो रहे हैं तो फॉर्म आप लोग अप्लाई करिए, अगर कोई दिक्कत कोई समस्या आ रही है फॉर्म अप्लाई करने में तो आप इस वीडियो के कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। कोई भी समस्या होगी उसका समाधान किया जाएगा। तो एक बार जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें ताकि जिनको भी इससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो यहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।